Seeing whether he was looking for a single or whether he was... I believe that he was trying to play on the offside, and that's why he was making room. But I was just wondering whether it was visible to bat first, because it's dark a little bit now. Yes, you were talking to me about that this morning, Nasim, before the play started. Carl Yunus. And that's bowled him, and it's all over. Watson is bowled. And Pakistan have won by 20 runs. 19. Pakistan have won by 19 runs. बड़ा अच्छा क्लिक किया उन्होंने. सीधा ड्राइव करना चाहते थे सलीम मलिक के पास, कोई गलती नहीं कही. शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर. अच्छा क्या है सलीम मलिक का पहली कामयाबी पाकिस्तान को और पहला नुकसान न्यूजीलैंड को. और यकीनी तौर पर डेविड वाइट उदास होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उनका पहला दौरा था न्यूजीलैंड की जानब से. दो टेस्ट मैचेस खेले थे, उसमें कोई खास कारकर्दगी का मजाहरा ना कर सके. उसके बाद ये दूसरा एक रोजा मैच जिसमें उनको थोड़ी बहुत दुश्वारियाँ थीं, और आखिरकार एक बार फिर उनकी वो कारकर्दगी काफ़ी नाफिस रही न्यूजीलैंड के लिए. पाकिस्तान ये ऑफ कॉर खेलना चाहते थे, चूँकि काफ़ी दूर बॉडी से खेले हैं. गेंद थोड़ा सा शायद रुक गया है, और पूरा ऊपर ना जाने की वजह से गेंद उतर हो गया, और एक अच्छा कैच सलीम मलिक का. बहुत जोरदार अपील ज़ादा फर्ज की, और अंपायर जावेद अख्तर का इशारा आउट. ज़ादा फर्ज की बदकिस्मती और खुशकिस्मती पाकिस्तान के उस वक्त शदीद मुश्किल में न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि यह के बाद दीगर खिलाड़ी आउट जिस वक्त होते हैं किसी भी टीम के, तो हर बैटिंग साइड को थोड़ी बहुत मुश्किल का सामना होता है. इस तरह ये दूसरी कामयाबी पाकिस्तान को. नसीम एक्शन रिप्ले देखिए. गेंद तकरीबन मिडिल एक्शन पहुंचा था, थोड़ा सा हाफ को खेले हैं, और यकीनी तौर से सामने खड़े थे. राधाफर्ड की बदकिस्मती. बहुत अच्छी बॉलिंग का मजाहरा नौजवान फास्ट बॉलर वकार यूनुस की जानिब से, और बड़े खुशाइन बात पाकिस्तान को कि इमरान खान के बाद एक अच्छा नामुल बदल इमरान खान का पाकिस्तान को मैसर हुआ. नसीम यकीनी तौर से इस वक्त न्यूजीलैंड काफ़ी दबाव में, और इन दोनों बैट्समैन, चूँकि दोनों तजुर्बेकार बैट्समैन मार्टिन क्रो ग्रेट बैटर, बहुत तमाम तरह जिम्मेदारी इन दोनों बैट्समैनों पर आयद होती है कि अपनी टीम को मुश्किल से निकालें. तस्लीम ग्रेट बैट ने पहले वनडे में भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, और काफ़ी हद तक जो प्रेशर था वो उन्होंने कम कर दिया था. एक्सपीरियंस प्लेयर है वकार यूनुस. हैट्रिक के पूरे मौके अब देख रहे हैं हैट्रिक को मुकम्मल करने में कामयाब होते कि नहीं. ग्रेट है पॉइंट की जानिब. भाई गनवर मैन ऑफ द मैच कदापि स्टेडियम लाहौर में पहले मैच में एक रन का इजाफा. बहुत ही कामयाब ओवर ऑन टू. बाउंड हिम. सुपर डिलीवरी. Possibly got inside edge, but right through the gate. Tremendous bowling by Wakar. As we said earlier, he is the man they have to watch. He pushed back the middle stump. Very neat extraction. And really, Deepak Patel had no idea that ball. We see that again now in the replay. He may have got an inch to that. No. So 65 for 4. You can call it a batsman.
बिल्कुल टॉस बॉल अपील सीधा मॉडल टू के पैर पे स्टंप से जा रहा था अंपायर का इशारा आउट। इस तरह पांचवें खिलाड़ी का नुकसान, पांचवी कामयाबी पाकिस्तान को और चौथी कामयाबी वकार यूनुस को। बहुत अच्छी बॉलिंग का मजा आ रहा वकार यूनुस की जानिब से, बहुत बर्फ रफ्तारी से गेंद करते हैं। यही वजह है कि टेस्ट क्रिकेट के अलावा वनडे में भी अभी तक न्यूजीलैंड के बैट्समैन सही तौर पर वकार यूनुस को खेलने से कातर। ये पांचवा नुकसान मार्टन क्रो का। इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा बहरान और बहुत ज्यादा मुश्किल में। ये चौथी बहुत अच्छी कामयाबी वकार यूनुस की। मार्टन क्रो जो बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे न्यूजीलैंड के लिए, बाहरचित ओपनिंग बैट्समैन खेलने आए थे, उन्होंने सिर्फ चार रन की कमी की बिना के वजह से अपनी मिस सेंचुरी मुकम्मिल नहीं की और वकार यूनुस ने उनको आउट किया। तमाशाई काफी तादाद में आज अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर में मौजूद। ये एक्शन रिप्ले देखिए नसीम। गेंद तकरीबन सम्प्लीट कर रहा, थोड़ा सा अंदर गेंद आया, थोड़ा सा आगे खेलना चाहते थे मार्टिन क्रो। और फील्डिंग में तब्दीली, अकरम रजा को पहले स्लिप में वकार यूनुस ने बुलाया। अच्छी बॉल, तेज तरीन बॉलर की शमूलियत। बहुत जोरदार अपील इन स्विंग टेयर के अंदर, विकेट के सामने क्रॉस द लाइन खेले। इस तरह पांचवी कामयाबी वकार यूनुस को और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की इनिंग का अख्ताम। 127 उन्होंने की अपनी पहली इनिंग में। वकार यूनुस ने नहायत ही शानदार बॉलिंग का एक बार फिर मजारा किया और पांच खिलाड़ियों को आउट किया। ये वो सुख से बात कही जा सकती नसीम के, वकार यूनुस की बॉलिंग का सही तौर पर न टेस्ट क्रिकेट में न एक रोजा क्रिकेट में न्यूजीलैंड के बैट्समैन मुकाबला कर सके। बड़ा अच्छा एक्शन, आखिरी मौके पर डिलीवरी बहुत ही खूबसूरत। हाफ को खेले थे, गेंद तकरीबन मिल स्टंप पिच हुआ था और एक जोरदार अपील। न्याज अरबाब स्टेडियम पेशावर में दूसरा वर्ल्ड सीरीज एक रोजा मैच में सूरत हाल आपको बताता चलूं कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मजमुई तौर पर 127 रन बनाए 37.2 ओवर के इख्तिताम पे। सबसे जो कामयाब बैट्समैन रहे वो मार्टिन यूनुस, गॉट 5 विकेट्स, सलीम मलिक 2, अकरम रजा 1, मुश्ताक 1 एंड 1 रन आउट। अ वेरी फाइन जॉब डन देयर। द बॉलिंग फिगर्स वकार 5 for 11 इन 6.4 ओवर्स, दैट इज ट्रेमेंडस बॉलिंग। सो 18 इन एंड 4 men ऑन द ऑफ साइड एंड 3 ऑन द ऑन। Appeal for a catch behind and Bradburn goes and Wakar Yunus claims his first victim and New Zealand in further trouble at 97 for 6. Bradburn, the man out for naught, caught behind the ball, moved slightly away from the right-handed Bradburn off the wicket, a little bit of movement. He tried to follow the ball and it caught the outside edge and was taken behind the stump. Wakar keeps his striking rate high again. The way Bradburn went, it must have been a very faint tickle. He runs and scored so far. And, some very good cricket. So New Zealand really can't complain in that they got to a very good start, 36, and then came the collapse. Wakar to Priest. Takes it on the pad. Wakar Yunus is still appealing. 19 in progress. Wakar Yunus to Priest. Takes it on the pad and this time he's out. The team says he's out and Wakar claims his second victim and New Zealand now lose their seventh wicket. 97 for 7. There's the sorry figure of Priest walking back to the pavilion. Another man going back to the pavilion without a run on the board. Appeal for LBW and that's out.
8 wickets gone. Pringle, LBW, Wakar Yunus, no score. Jubilation from the Pakistan supporters, this large crowd here at the Jinnah Stadium, Sialkot. And a weeping duck accompanies Pringle, all three falling to Wakar. Morrison's average 3.43, 27th match for him. He's facing Wakar Yunus. ब्रेडबर्न को वकार यूनुस ने कोई रन बनाए बगैर आउट किया। मार्क प्रीस्ट भी कोई रन बनाए बगैर वकार यूनुस के हाथ मार्क प्रीस्ट भी कोई रन बनाए बगैर वकार यूनुस के हाथों आउट हुए। वॉटसन वकार की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। वकार यूनुस ने 16 रन के विक्स 5 खिलाड़ी आउट किए। मंजूर इलाही ने 3 और एजाज अहमद ने 2 विकेट। वकार रिचर्डसन प्ले है लेकिन उल्टा दिखा रहे हैं। बहरहाल देखें कि लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल ने उनकी बॉल पे ये देखिए रिचर्डसन का कैच पकड़ा। ये देखें कि इजाज ने कितने अच्छे अंदाज से उसको पकड़ा है बिल्कुल ग्राउंड के पास। घुटना टेन करेंगे लोगी को देखें कि वकार पूरे जोर लगाते हुए उन्होंने इस कदर बॉल तेज था कि बैट्समैन को मौका ही नहीं मिला कि वो बैट उठा सके और वो बहुत लेट हो गए तो इस तरह इसके कि वो बैट को नीचे ला सकते। बॉल ऑलरेडी उनकी विकेट को हिट कर चुका हुआ था। परवेज इस वक्त मैच बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। जिस तरह की हमें उम्मीद थी कि वकार बॉल डालते हैं एक फॉरवर्ड स्क्वायर लेग तो आ चुकी है। वेस्ट इंडीज का स्कोर 139 तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर। वेस्ट इंडीज की इनिंग का ये 30वां ओवर वकार हैट्रिक के ऊपर। वकार यूनुस इस वक्त पूरी तरह वेस्ट इंडीज की टीम पर छाए हुए हैं। बहुत ही दिलचस्प मरहले में मैच दाखिल हो चुका है। एक स्लिप आ गई है वकार हैट्रिक के ऊपर। देखते हैं कि हैट्रिक कर सकते हैं या नहीं। वकार गेंद करेंगे लारा को जो हैं नए बैट्समैन हैं। तमाशाइयों में जोश व खरोश। वकार बदकिस्मती वकार की कि यह हैट्रिक नहीं हो सकी। अगरचे लारा को इस गेंद का बिल्कुल पता नहीं चल सका कि वो गेंद कहां से गुजरी। देखें एक्शन रिप्ले में बहुत ही उम्दा बॉल एक बार फिर बैट्समैन कंप्लीटली बीट हो गए। उनको बिल्कुल समझ नहीं आई कि बॉल के बहुत पर उम्मीद बॉलिंग है और मुझे यकीन है कि अगर इसी तरह बॉलिंग करते रहे। नो बॉल का इशारा खिजर हयात का इस एक रन के। अब वकार अपना 5वां ओवर करेंगे। सिकंदर मैं समझता हूं कि क्योंकि नारा एक कर दिया। बहुत अंदा वकार यूनुस की शानदार बॉलिंग बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर और हेंस आउट हो गए हैं।
149, चार खिलाड़ी आउट, हेन्स बोल्ड वक्कार 67, 92 गेंदें खेली 11 चौकों की मदद से। एक बहुत अच्छी इनिंग उत्तम को पहुंची, वक्कार की शानदार बॉलिंग। परवेज, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त था कि यूनिवर्सिटी एंड से वक्कार को गेंद करानी चाहिए, और जब से ये देखिए जी, ये रिप्ले में देखिए कितना खूबसूरत ये यॉर्कर है कि हेन्स जो कि तजम के खेल रहे थे वो भी इसको सही तरफ पे समझ ना पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। यॉर्कर एक बहुत ही मुश्किल बॉल होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वकार यूनिस ने इस बॉल पे पूरी तरह अबूर हासिल कर लिया है, पूरी तरह इसके ऊपर उनको काबू है और वो इस खूबसूरती से इस बॉल को बोल करते हैं, इस खूबसूरती से इस बॉल को फेंकते हैं कि बैट्समैन अक्सर डिसीव हो जाता है, उसको समझ नहीं आती और इस तरह वो विकेट लेने में अक्सर कामयाब हो जाते हैं। तो एक बार से फिर वकार यूनिस ने ये साबित कर दिया है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे फॉर्म में बॉलर हैं, सबसे अच्छे बॉलर हैं, जो कि किसी भी दुनिया की टीम के लिए मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ की इनिंग का 32वां ओवर, 149 कुल मजमूई स्कोर, चार खिलाड़ियों के नुकसान पर। वकार हूपर को बॉल करेंगे, too far across in trying to work Wakar onto the onside. So that's four wickets for Wakar Yunus. There's a replay, Asif. There it is. Ball pitching. Yes, well, it hit him on the front, hit him on the front leg, hit him low, and he was playing across. Field for LBW is out. Car. Again. Well, I think the way he bowls in on Pakistani wickets where ball tends to keep low, it's not surprising to see him getting these LBW decisions, because against New Zealand also, although I wasn't watching the game, but the commentary that I was listening to, most of his victims were leg before decisions, mainly because he pitches the ball right up to the batsman, swings just a little bit, but bowls within the stumps. That's right. We did a calculation of the number of LBWs versus the number of people he bowled. Yes, and I think, I'm sure when you see the replay, yes, you're bound to see that that ball was pitched right up within the stumps, and Hooper trying to work it on the leg, probably missed something which was going to hit the stump somewhere in the region of middle and leg. There it is, what we're talking about. No, onto the front foot. Although he was on the front foot, but the ball leg, they pitched well within the stumps, and that's why the decision gone against him. That's a replay again of the dismissal of Carl Hooper. Bring him low, almost on the instep.